हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निहारका। सो आज वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 अमेजिंग न्यूली लॉन्च फाउंडेशन। ये जो फाउंडेशन है ये सब इसी साल ही लॉन्च हुए हैं और कहीं ना कहीं ये आपको ड्यूई नेचुरल फिनिश देते हैं, जो कि आजकल ट्रेंड चल रहा है, लाइक नो मेकअप मेकअप लुक या मिनिमल मेकअप लुक में ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहला फाउंडेशन है वो है ये ईबा हलार का मस्ट हैव लिक्विड फाउंडेशन। इस फाउंडेशन की खास बात है कि ये आपका स्वेट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। अगर इसकी फिनिश की बात करूँ तो ये लाइक आपको मीडियम कवरेज देता है, और अगर आप डबल लेयर करेंगे तो मीडियम से फुल के बीच में आप जा सकते हैं, यानी इसका कवरेज काफ़ी अच्छा है। ये मैट फिनिश है लेकिन एकदम ही मैट मैट नहीं, लाइक ड्यूई फिनिश देता है, मैट ड्यूई फिनिश, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। स्किन बहुत ही ज़्यादा फ्रेश दिखती है, साथ ही साथ जो कवरेज है वो अच्छा है, तो आपका कुछ भी पिगमेंटेशन या स्पॉट होगा वो ये अच्छे से हाइड कर देगा। ये सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है और मुझे भी यही लगता है, क्योंकि ये मैट भी है, ड्यूई भी है, हाइड्रेटिंग है, ड्राइंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं सभी स्किन टाइप को ये सूट करता है। हाँ, इसमें जो शेड रेंज है वो ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड शेड है, लेकिन वो शेड कहीं ना कहीं इंडियन स्किन टोन के ही हिसाब के हैं, तो आपको अच्छे से सूट करेंगे। जो नेक्स्ट फाउंडेशन है वो है ये है फेसेस कैनेडा का 3-in-1। इस फाउंडेशन में आपको तीनों चीज़ें मिली, यानी सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर और फाउंडेशन। इसमें SPF 30 है, तो कहने की आपको सन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये काफ़ी हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग है, तो आपको स्किन को ज़्यादा प्रेपअप नहीं करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली ये फाउंडेशन का भी काम करता है। इसका जो कवरेज है वो भी अच्छा है, एकदम शेयर आउट नहीं है, लाइक क्लोज टू मीडियम कवरेज है, तो थोड़ा बहुत अनइवन स्किन टोन है, आप उसे अच्छे से इसकी हेल्प से कवर अप कर पाएंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर आपको स्पॉट पिगमेंटेशन है तो आपको कंसीलर यूज़ करना पड़ेगा। ये हल्की सी ड्यूई फिनिश देता है, पर बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, मतलब आप वेयर करते हो तो आपको पता ही नहीं चलता, तो आप पूरे दिन वेयर करके रख सकते हो। और एक तरीके से एक ऐसा फाउंडेशन है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी कर रहा है, साथ ही साथ यू नो कवरेज भी दे रहा है, जैसे कि बीबी क्रीम करती है, तो ये वही चीज़ कर रहा है, और आप इसको लाइक आराम से डेली वेयर में वेयर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है मामाअर्थ का फाउंडेशन। फाइनली मैंने बाय किया और मुझे सच में काफ़ी पसंद आया। इसको के ब्यूटी का कहीं ना कहीं ड्यूप कहा जाता है, मैं परफेक्टली के ब्यूटी का ड्यूप नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ जो फॉर्मूला है बहुत हद तक सिमिलर है, और ये एक तरीके से ज़्यादा बेटर, क्योंकि ओवर ड्यूईनेस नहीं देता, ये नेचुरल ड्यूई फिनिश देता है, लेकिन अच्छे से आपके फेस पे टिका रहता है, सेट हो जाता है, मूव नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई किया तब भी आपका पूरा फाउंडेशन वेट है, नहीं, फाउंडेशन ड्राई आउट हो जाता है, बस आपको एक ड्यूई फिनिश देता है, तो आप आराम से अपना मेकअप कर सकते हैं, और इसके ऊपर जो मेकअप है बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। यहाँ जो शेड रेंज है वो लिमिटेड है, लेकिन अच्छे शेड हैं, आप चुन सकते हैं। हाँ, हो सकता है शायद आपको ना मिले, तो आप दो शेड को मिक्स कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शेड न्यूड ग्लो लिया है, जो कि ओके है, वैसे मैं मुझे लगता है कि इससे जो लाइटर शेड है और इस शेड को मुझे मिला के यूज़ करना चाहिए, तब मुझे सही शेड मिलेगा। इस फाउंडेशन में आपका विटामिन सी है, तो आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, नरिशिंग है, हाइड्रेटिंग है, आपको लाइक मीडियम कवरेज देता है, मीडियम के आसपास आपको आराम से कवरेज मिलता है, शेयर टू मीडियम। और जो बेस्ट चीज़ है कि ये ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं होता। जी हाँ, ये बहुत कम ऑक्सीडाइज होता है, लाइक ना के बराबर, तो आप इसको ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है इनसाइट का HD फाउंडेशन। ये जो फाउंडेशन है एकदम ड्यूई फिनिश देता है, बहुत ज़्यादा ड्यूई नहीं कहूँगी, लेकिन स्टिल लाइक मैट ड्यूई फिनिश देता है। इसका जो कंसिस्टेंसी एकदम लिक्विडी सी है, तो आप अप्लाई करते हो तो आराम से कम प्रोडक्ट में आपको अच्छा खासा कवरेज भी देता है, और बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता, सुपर लाइट वेट है। ये सॉर्ट ऑफ आपका लाइक ब्लरिंग फाउंडेशन का काम करता है, जो भी आपका स्पॉट पिगमेंटेशन उनको ब्लर आउट कर देता है, तो उतना ज़्यादा दिखता नहीं है, मतलब जो भी पिगमेंटेशन है या अनइवन स्किन टोन है। हाँ, अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कंसीलर यूज़ करिए। जो शेड रेंज है यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, और उसमें अच्छे अंडर टोन्स भी हैं, जो कि प्रॉपरली इंडियन स्किन टोन को सूट करते हैं। इसके साथ बस एक प्रॉब्लम, जो इसका फॉर्मूला है वो सेपरेट होता रहता है, तो यूज़ करने से पहले आप अच्छे से शेक करें, ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। वैसे ओवरऑल मुझे काफ़ी सही लगा, कवरेज इसमें आप कह सकते हो शेयर टू मीडियम के बीच में है। जो लास्ट है वो है सुस ब्यूटी का न्यू स्टिक फाउंडेशन। ये है सुस ब्यूटी का कवर एंड ब्लेंड। ये कहता है ये आपको फुल कवरेज देगा और स्मूथ फिनिश देगा। मेरे पास यहाँ जो शेड है वो है 02, और ये कुछ इस टाइप का दिखता है। इसका जो लुक है वो वैसा ही है जैसा कि आपका शुगर के स्टिक फाउंडेशन का आता है। तो ऊपर आपको यहाँ पर मिलेगा फाउंडेशन,
और दूसरे साइड आपको यहाँ पे ब्रश मिल रहा है, तो आप इसी की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हैं। ये जो फाउंडेशन ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है और इसका जो कवरेज मैं कहूँगी ये कुछ आपका मीडियम से फुल के बीच का है। ये बहुत ही आराम से ब्लेंड होता है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती और अच्छे से कुछ भी अगर अनइवन स्किन टोन या पिगमेंटेशन है उसे हाइड कर देगा। ये बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग और नरिशिंग है, बिल्कुल भी ड्राइंग फील नहीं होता। तो इवन अगर आप ड्राई स्किन वाले हैं आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। एकदम क्रीमी फॉर्मुला है, क्रीमी सैटिनी टाइप का, बहुत ही ईजिली अप्लाई होता है स्किन पे और इसके ऊपर मेकअप भी बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। मैं ज़रूर कहूँगी क्योंकि ये क्रीमी फॉर्मूला है आप इसे सेट ज़रूर करिए, चाहे आप कॉम्पैक्ट से करिए या फिर आप सेटिंग स्प्रे से, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी हीट फील होती है तो ये लाइक शिफ्ट हो सकता है। सो गाइस फाइनली मैं यहाँ कर रही हूँ इनका ऑक्सीडेशन टेस्ट। मैंने इन सभी फाउंडेशन को अप्लाई किया है फॉर 1 आवर और आफ्टर 1 आवर मैंने दोबारा अप्लाई कर रही हूँ ये देखने के लिए कि ये कितना ऑक्सीडाइज हुए हैं। दिस वॉज द वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।